तो आज मैं आ गया हूँ माजरा बीच पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये बीच दो साल पहले टूट गया था, और मैं आज आपको इस बीच के बारे में दिखाने आया हूँ कैसी प्रोग्रेस है और कितनी जल्दी ये स्टार्ट हो जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ माजराट ब्रिज के बारे में, और इससे जुड़ी कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आ गया हूँ माजराट ब्रिज के ऊपर। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इस पे काम चल रहा है। ठीक है, ये दो साल पहले 2018 में सितंबर की 4 तारीख को ही ये कोलैप्स, सबको याद होगा वो दर्दनाक हादसा जहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे इंसानों को इंजरी हुई थी। तो उसके बाद से ही हमारी सीएम ने बहुत ही जोर तोड़ कर इस पर काम किया है और बहुत ही जल्द इस ब्रिज को रेडी कर दिया है, और पहले से और भी बेहतर लग रहा है ये ब्रिज। मैंने जैसे देखा है, मैं वो क्लिप इसमें डाल दूँ। 2020 ने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन जाते जाते ये हमारे लिए एक गिफ्ट देकर जाने वाला है जिसका नाम है माजराट ब्रिज। जी हाँ, आपने सही सुना, माजराट ब्रिज जो कि 2 साल पहले टूट गया था, वो अभी फिर से तैयार हो चुका है हमारी ऑनरेबल सीएम श्रीमती ममता बनर्जी के अटूट विश्वास और मजबूत इरादों की वजह से। इस ब्रिज को बहुत ही कम समय में तैयार किया गया है और ये बहुत जल्द जन साधारण के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर हूँ, और ये जो एरिया है देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है, और ये बहुत पहले से बहुत ज़्यादा चौड़ा भी बनाया जा रहा है। ब्रिज को बहुत भी चौड़ा बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जितनी दूर की हमारी परमिशन, थोड़ी ज़्यादा करीब की नहीं है फिर भी। तो देखिए, बहुत ज़ोर तोड़ से काम चल रहा है इस ब्रिज को जल्द से जल्द। माजराट ब्रिज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। माजराट ब्रिज को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था 1962 में, और इसे पूरा होने में लगभग 3 साल लगी थी, और ये 30 सितंबर 1964 को कॉमन पीपल के लिए स्टार्ट किया गया था। उस वक्त इस ब्रिज के ऊपर से डेली बेसिस पर लगभग 34,000 से 35,000 गाड़ियां पास। और दोस्तों, माजराट ब्रिज नेशनल हाईवे 117 का हिस्सा है। माजराट ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है फॉर साउथ कोलकाता एंड एक्सट्रीम साउथ कोलकाता रेसिडेंट्स, क्योंकि ये ब्रिज कोलकाता को साउथ कोलकाता और एक्सट्रीम साउथ कोलकाता के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूडेड हैं, लाइक ठाकुरपुकुर जोका, बेहाला, तादला, मेडिया ब्रुज, पन्नोश्री, जिंजर बाजार एक्सेट्रा। केबल स्ट्रेट ब्रिज है जिसमें पाइलंस या फिर टावर्स बोल सकते हैं, जिनमें कि 110 मीटर के टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि केबल के माध्यम से कनेक्ट होंगे और ब्रिज को सपोर्ट देंगे। ये सेम टेक्नोलॉजी हमने निवेदिता ब्रिज और विद्यासागर सेतु में देखी गई होगी, जिसमें आपने जो वायर देखते हैं, जो केबल्स देखते हैं उस केबल्स के द्वारा ही हम इस ब्रिज को सपोर्ट देते हैं, इस ब्रिज को वो केबल्स ही सपोर्ट देते हैं। और ये सेम टेक्नोलॉजी हम माजराट ब्रिज में भी देख पाएंगे, और जिसकी वजह से जो पिलर्स हैं ब्रिज के नीचे, जो पिलर्स रहते हैं जिसे हम गार्टर्स भी कहते हैं, उनकी संख्या भी कम हो गई है। सिर्फ हम इस ब्रिज में ओनली 4 गार्टर्स ही यूज़ किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इस ब्रिज की लोड कैपेसिटी भी 350 टन्स की हो गई। ये वाला पाइप है, इसके साथ ये उधर वाला पाइप जो है वो कनेक्ट होगा एक वायर की मदद से, केबल की मदद से, उसके बाद इस ब्रिज को और मजबूती मिलेगी। ये बोथ द साइड है, मैं एक साइड का दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रिज का किनारा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है भैया, की काज होच्छे एखाने? हाँ, टाली शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, चलिए, क्या बन रहा है?
प्लेटफार्म बन रहा है तो इससे उतरने का तो दाना जो लगाएगा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा इसको उससे कनेक्ट करिएगा। ये जो ऊपर जो आप वो होल्स से देखते देख 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 रहे होंगे, होल्स जो है उसके साथ ये होल्स कनेक्ट होंगे। ये जो होल में दिख रहा है ये होल ये कनेक्ट होगा। उसके बाद से ये वाला जो लोहा जो है इसको ये लोग रिमूव कर देंगे। अगर मैं इस ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करूं तो ये ब्रिज लगभग 570 मीटर लंबा है। अगर मैं इस ब्रिज की चौड़ाई के बारे में बात करूं तो इसकी चौड़ाई को बढ़ाकर 22 मीटर तक कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है और जिससे कि हमें सफ़र करने में भी बहुत इजी होगी और ट्रैफिक जाम भी बहुत कम लगेगा। अगर मैं इस ब्रिज की हाइट के बारे में बात करूं तो इसे 2 मीटर से बढ़ाकर 7.5 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आप माजराट ब्रिज से सफ़र कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप निवेदिता ब्रिज या विद्यासागर सेतु से सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ब्रिजों में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है माजराट ब्रिज में भी वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ये एक केबल स्टेट ब्रिज है जहाँ पर पाइलॉन्स की मदद से केबल को अटैच कर इस ब्रिज को और भी मजबूती दी जा रही है। इस ब्रिज में 4 पाइलॉन्स का इस्तेमाल किया गया है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और जिनकी हाइट है 110 मीटर। इस ब्रिज में सिर्फ 4 ही गार्टर्स यूज़ किए गए हैं। गार्टर्स यानी जिसको हम पिलर्स भी कहते हैं, ये सिर्फ 4 ही यूज़ किए गए हैं क्योंकि ये केबल स्टेट ब्रिज है और केबल से इसे और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर पिलर्स की संख्या कमा दी गई है। काम हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़ोर तोर से काम हो रहा है। और ये है हमारा, ये जो आप ब्लू रंग का देख पा रहे होंगे, ये है हमारा माजराट ब्रिज। तो आज मैं आ गया हूँ माजराट ब्रिज पे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये ब्रिज 2 साल पहले टूट गया था और मैं आज आपको इस ब्रिज के बारे में दिखाने आया हूँ कैसी प्रोग्रेस है और कितनी जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही करीब से देखा है इसकी ब्रिज के काम को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था मुझसे भी और मैं भी वेट कर रहा था कब ये ब्रिज खुले, क्योंकि हमको भी इस ब्रिज के द्वारा ही जाना पड़ता है। तो और अगर अभी ये ब्रिज नहीं स्टार्ट हुआ है तो हमें बहुत घूमना पड़ता है, इसके लिए हमारी बहुत टाइम भी वेस्ट होती है और एफर्ट्स भी वेस्ट होता है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और कई बार हम सही समय पर घर भी नहीं पहुँच पाते। तो ये है हमारा प्यारा माजराट ब्रिज और ये है माजराट स्टेशन जहाँ से ट्रेन जाती है इसके नीचे से। और देखते हैं क्या हो रहा है। मैं आप मेरे भाई से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा दे कैसा क्या काम है, ठीक है, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर PWD के बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स काम पे लगे हुए हैं, हरदम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी इसको तैयार किया जा सके एज पर द ऑर्डर ऑफ आवर ऑनरेबल CM ममता बनर्जी। ये बहुत जल्दी बन रहा है और इसे देखकर मेरे दिल में भी बहुत खुशी हो रही है और मेरे दिल में अपनी CM के लिए और भी ज़्यादा जगह बढ़ जा रही है, क्योंकि उन्होंने हमारी सेट के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसके लिए ये ब्रिज भी उनमें से एक होने वाला है। पहले से और भी खूबसूरत लग रहा है, इसे देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं
टेक्निकलिटीज थी जिसको ओवरकम करके बहुत जल्दी जल्दी इसको काम करवाया जा रहा है। और एक मेन चीज़ क्या है कि इस ब्रिज के साइड पर ही एक मेट्रो की लाइन भी जा रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत जगह का इशू था, तो इधर उधर कर इसे मतलब थोड़ी लेट इस वजह से भी हुई है। और नीचे आप देख सकते हैं वो है हमारा प्यारा माजराट ब्रिज, और उधर से ट्रेन जाती है, तो उधर से भी ईस्टर्न रेलवे से भी बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है ब्रिज को काम करवाने के लिए, तो जिसके लिए भी थोड़ी बहुत सारी देर हो गई है। लेकिन एट द एंड ऑफ 2020 मैं आपके लिए मेरा इस वीडियो का ही पार्ट टू ले आऊँगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि ममता बनर्जी इनॉग्रेट कर रही हैं। चलिए और थोड़ा आगे, PWD के ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका टारगेट दुर्गा पूजा से पहले ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये ब्रिज दुर्गा पूजा से पहले नहीं खुल पाएगा, लेकिन 2020 में ही खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2020 में ही इस ब्रिज पर आप चढ़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ बियरिंग्स इंस्टॉल होंगी और जिनके लिए ईस्टर्न रेलवे की परमिशन की जरूरत थी, क्योंकि नीचे आप जानते होंगे माजराट ब्रिज की लाइन जाती है, तो इसके लिए ही ईस्टर्न रेलवे की परमिशन की जरूरत थी, और जिस परमिशन को मंजूरी मिल गई है तो अब इस ब्रिज में बियरिंग इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्द ही आप इस ब्रिज पर चढ़ जाएंगे। और इस पर कुछ कॉन्क्रीट का काम भी बाकी है, मैंने खुद भी देखा इस पर वाटरिंग का काम हो रहा था, मतलब कॉन्क्रीट डालकर उस पर पानी डाला जा रहा था, फिर उसको सुखाया जाएगा और उसके बाद ही इस पर थोड़ा बहुत पुताई का काम होगा, इसको और थोड़ा सजाया जाएगा, उसके बाद ही मतलब ये सारे काम होते होते लगभग 50 से 60 दिन तो लग ही जाएंगे। और हमें ये ब्रिज इतनी जल्दी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस ब्रिज को मजबूत बनाया जाए, जो कि और बहुत दिन तक इस पर हम लोग यूज़ कर पाए, और जो कि टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है यहाँ पर ये बहुत ही आधुनिक है और इस ब्रिज को बहुत मजबूती मिलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप कितनी जल्द से जल्द इस ब्रिज को मतलब आप कितनी जल्द से जल्द इस ब्रिज पर चढ़ना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।